दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि और भी अच्छे वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल फ्री। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए। फिर बेल का बटन आएगा घंटी का, उसे दबाइए। गुरुदेव के श्री चरणों में सब परिवार मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव, हम जनकपुर धाम नेपाल से आए हैं। वाह, स्वागत है आपका नेपाल से। हमारे डीएनए में 5 जने हैं और 5 जने हम आए हैं गुरुदेव। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। आंखें बंद कीजिए। अब बहुत जल्दी नेपाल में दरबार बनेगा, चिंता मत करो। नेपाल से बहुत लोग आते हैं, तो हमें लगता है नेपाल में ही जो है बाबा पशुपतनाथ के आसपास दरबार बना दिया जाए। ओम आरोग्य प्रहार, ओम तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, अपना अपना बंधन कीजिए, तीन बार ओम नमः शिवाय बोल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो जो संकल्प आप लोगों ने किए वो सब गए, जो कष्ट थे सब गए, है ना। जैसे आप लोगों के शरीर में क्या था, गर्मी बहुत बढ़ी रहती थी, गर्मी बढ़ी रहती थी, है ना, हीट, वो सब दरबार ने हटा दिया। ब्रेन की चिकित्सा की, किडनी, आपका घुटना, स्पाइन, है ना, छाले हो जाते थे किसी को मुंह में, जी मुंह में छाले बनते थे, किसको बनते थे, बनते थे, इधर पीछे खड़े ये खड़े इधर इधर खड़े इनको बनते थे है ना जी। और बहुत अच्छा आप दरबार आए तो कैंसर की संभावनाएं खत्म हो गई, जो भविष्य के दिख रहे थे सब नष्ट हो गया। चक्कर बेहोशी आ जाती थी, आते थे जी, जी। सब अच्छे हो गए, सब श्वास में प्रॉब्लम होने लग गई थी जी, वो भी अच्छे हो गए, वो प्रॉब्लम नहीं है। स्वेलिंग हो जाती थी बॉडी में जी, अब वो भी नहीं होगी, है ना। सब दरबार ने नष्ट किया है, तो सभी कुछ अच्छा हुआ है दरबार कृपा से, बाबा माँ कृपा से। अब अच्छे हैं आप गुरुदेव, सदा अच्छे रहेंगे। लेपन की आवश्यकता पड़ेगी कर लीजिएगा, बाकी चलिए फिर ये आप लोग बेटा उठिए बैठिए, चेक कर लीजिए फिजिकली मेंटली सब चेक कर लीजिए। गुरुदेव एक विनती। हाँ हाँ बोलिए। मेरे बच्ची के लिए, वो उन्हीं के कारण हम दरबार में आए थे, निमित्त वही बना था उसको क्या है एक्चुअली सिर दर्द जो है सो एग्जाम के टाइम करीब 4 बार से हो जाता था बहुत, और साल साल भर रहता था। अभी 15 दिन पहले फिर एग्जाम हुआ था तो उसमें भी हो गया था कुछ दिन के लिए, उसे लेपन मिला। आरोग्यमन कब किया था? आरोग्यमन परसों किए थे गुरुजी। अब कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो सब उसी मारण में बंधे हुए थे जी। और एक चीज गुरुदेव, अभी वो छोड़ दें, आप आदेश दें गुरुदेव, वो उसकी मर्जी, खाए दवा न खाए। नहीं नहीं आप तो उसको लगता है, देखो माइक दो जरा उसको। क्या नाम बेटा आपका? नंदिता शाह। ललिता बेटा आप? नंदिता। नंदिता जी। तो नंदिता बेटा, अब आपको क्या लगता है, औषधि खाने की जरूरत है? नहीं। यही बात है, यही कॉन्फिडेंस है जी। ऐसे करके डॉक्टर से मिलना कि डॉक्टर साहब हम तो अच्छे हैं, तो अब आप देख लो दवा मुझे खानी की नहीं खानी, खुद ही बंद कर देगा, ठीक है जी। खुश रहिए, प्रसन्न स्वस्थ आए हैं बाबा माँ के लिए। थैंक यू बेटा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जनकपुरी गुरुदेव, बहुत अद्भुत जगह है। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ माता जानकी का आना है मेरे को गुरुदेव। हम नेपाल जनकपुर से हैं गुरुदेव। ये देखो, ये भी जनकपुरी से आ गए नेपाल। मेरे डीएन में 3 जने हैं गुरुदेव, मैं, मेरी पत्नी। अच्छा ये बताओ, जैसे नेपाल में दरबार खुले जी, तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे नेपाल से लोग आसानी से वहाँ पहुँच सकें? नेपाल से, नेपाल नेपाल में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ दरबार खुलने पर
पूरे नेपाल से लोग पहुंच सकते हैं आराम से। सबसे अच्छा तो आप बोले थे गुरुदेव बाबा पशुपतिनाथ के आंगन में, सबसे अच्छा वही रहेंगे गुरु जी, और इधर बीच में चाहे तो जनकपुर भी अच्छा ही रहेंगे। जनकपुर अच्छा धार्मिक नगरी है, वही नगरी धार्मिक चाहिए जी। सबसे अच्छा तो वहाँ काठमांडू पशुपतिनाथ बाबा के नगरी में होंगे, और दूसरे जनकपुर गुरुदेव। ठीक बात, बहुत अच्छा। आंखें बंद करो बेटा। ओम आरोग्य प्रहार। ओम तीन बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन कीजिए तीन बार, ओम नमः शिवाय। खुश हो बेटा, बेटा सब अच्छे है ना जी? गंदगी दिखाई देती, देख तो सब गंदा गंदा लगता था गंदा गंदा जी। आप कोई गंदा नहीं लग रहा है, सब अच्छे बेटा, सब गंदे गंदे स्वप्न भी आते थे, डरावने खत्म हो गए। एंक्लोजिंग हो रहा था बॉडी में, जकड़न अकड़न बढ़ रही थी खूब, और जोड़ जोड़ में जगह जगह खूब पेन होती थी, वो सब दरबार ने हटा दिया। क्लोटिंग हो गई थी ब्रेन में, दरबार ने साफ किया है सूक्ष्म में, और लीवर की, लंग्स की, नाभि के पास लगता था आसपास घूमता हुआ सब लगता था, वो दरबार ने सब नष्ट कर दिया। स्मृति थी वो भी नष्ट, स्थाई सब प्रॉब्लम थी, कमर से लेके जांघे आंगे सब बहुत पेनफुल था। सब अच्छा हो गया, घुटने नए हो गए, अच्छे हो गए, है ना, सब बढ़िया हो गया, कुछ बचा नहीं, एकदम अच्छे हैं। जो जो संकल्प किया मन में, जो कष्ट थे वो भी सब खत्म हो गए बेटा। अब आप लोग चलिए फिरिए, थोड़ा उठिए बैठिए और चेक करिए अपने। गुरु जी एक छोटी सी विनती है, वो मैं बहुत दिन से भटक रहा हूँ गुरु जी, बिना सेती में मुझे मुकदमा वगैरह में फंसा दिया है गुरु जी, होना जोना कुछ नहीं, भटक रहा हूँ तब से, और उसके चलते घर परिवार से रहे, इंजीनियर है, लेकिन 10 बरस से वो भी भटक रहे हैं, मेरे चलते समझ ले, गलती मेरा ही है गुरु जी, और ना अच्छा से उसको कहीं जॉब मिल रहा है, भटक रहा है, गलत खान पीन के चक्कर में फंस गए हैं गुरु जी, थोड़ा कृपा करके उनको। बेटा ऐसा है ना, आप क्या है, ऐसी गंदी स्मृति थी जी शमशान की, है ना जी गुरु जी, उसके कारण उसने बहुत गंदगी मचाई उस एनर्जी ने, वो थॉट्स ही आपके खराब कर देता था, सोच विचार ही खराब कर देता था, बुद्धि खराब कर देता था, आप कैसे सफल हो सकते थे कहीं। अब उस सब गंदगी चली गई, अब तो सफलता के रास्ते खुले हुए हैं, चाहे जिधर मार्च करो, लेफ्ट करो, राइट करो, अब सब अच्छा, जो करेंगे सब में सफलता मिलना है, क्योंकि असफल करने वाली, बुद्धि खराब करने वाली चीज़ चली गई। बुद्धि ठीक नहीं थी, कुछ नहीं अच्छा हो सकता है, अब बुद्धि अच्छी है, सब खुला खुला लग रहा है, खुला खुला बिल्कुल जी बाबा, एकदम अच्छे, हम सब कर पाएंगे बेटा, ठीक है, बच्चा भी कर पाएगा, आप भी कर पाओगे, अब सब अच्छे, खुश रहिए।